हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, सही काम चल रहा है, डूइंग स्टडीज वेल। ओके, आज मैं आपके लिए जीओसी का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। दो स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एंड सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल्स। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेटा बहुत अच्छे से आपको मैंने पढ़ाया था न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, क्योंकि जब आप रिएक्शन की मैकेनिज्म पर पढ़ोगे ऑर्गेनिक में तो ये टर्म्स बड़ी काम आएंगे। ओके, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, शेयर कर दिया होगा, वीडियोज लाइक कर रहे हो और कमेंट नहीं भेज रहे हो। भाई कमेंट में पता ही नहीं चल रहा है आपने, आपको समझ में आया नहीं आया, आपने वीडियो को लाइक किया तो थोड़े से कमेंट्स भी शेयर करो, मुझे पता चले आप लोगों को कैसे लग रही है वीडियोस, कैसे समझ में आ रहा है। तो शुरू करें बेटा आज का टॉपिक, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? ये वो न्यूक्लियोफाइल है जिसमें दो डोनर साइट्स होती हैं, लेकिन एट द टाइम एक ही डोनेटिंग साइट यूज होती है, एक ही डोनर साइट यूज होती है। ठीक है, दो डोनर साइट्स हैं लेकिन एट ए टाइम एक ही डोनर साइट यूज होगी, ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। मैं ये कह सकती हूं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एक दो धारी तलवार है, भी दो धारी तलवार है, यहां से भी अटैक हो सकता है, यहां से भी अटैक हो सकता है। ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, यहां से भी शार्प एज है, यहां से भी अटैक हो सकता है, यहां से भी अटैक हो सकता है, लेकिन एट ए टाइम अटैक होगा एक ही साइड से। इज इट क्लियर? एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, मान लीजिए आपके पास ये मॉलिक्यूल है ये, और इसमें ए के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बी के पास भी, वे भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां हमने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो हम ये कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में ये ए भी डोनर एटम हो सकता है, डोनर, और बी भी डोनर है, लेकिन एट द टाइम एक ही डोनर एटम का यूज होगा, एक ही डोनेटिंग साइट का यूज होगा, है दो, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हो गए। ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आर दोज न्यूक्लियोफाइल्स which have more than one donor atoms। ठीक है, और आप कह सकते हो साइड्स, डोनर एटम मान लीजिए सेम ही है दोनों साइड, लेकिन डोनर साइड एक से ज्यादा है। ठीक है, मान लो दो नाइट्रोजन एटम डोनर एटम है, तो है तो नाइट्रोजन लेकिन अलग अलग नाइट्रोजन एटम है, एक ही नाइट्रोजन नहीं, दो नाइट्रोजन डोनर एटम है। ओके, दो डोनर एटम्स या साइट्स, बट एट ए टाइम ओनली वन अटैक फ्रॉम वन डोनर साइट और एटम ऑकर। अटैक एक साइड से ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए आपके पास बेटा नाइट्रो एनओ टू, देखिए नाइट्रो एनओ टू माइनस, एनओ टू माइनस में अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आपको पता चलेगा कि दो डोनर साइट्स हैं, एक नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन हैविंग निगेटिव चार्ज। दिस इज ऑल्सो द डोनर एटम एंड दिस इज ऑल्सो डोनर एटम। इस कंपाउंड में जब इस आयन में, इस न्यूक्लियोफाइल में जब नाइट्रोजन डोनेटिंग एटम का काम कर रहा है तो उसे कहेंगे नाइट्रो। व्हेन नाइट्रोजन एक्ट एज डोनेटिंग एटम, जब ये डोनेटिंग एटम का काम करेगा डोनर साइट नाइट्रोजन, व्हेन नाइट्रोजन यूज्ड एज डोनर साइट, जब इस डोनर साइट का है डोनेटिंग साइट दोनों, लेकिन नाइट्रोजन का यूज होगा डोनेटिंग साइट के फॉर्म में, तो हम इस न्यूक्लियोफाइल को कहेंगे नाइट्रो। और अगर इसी में
ऑक्सीजन का यूज हुआ, ऑक्सीजन का यूज हुआ तो ऐसे लिखो एंड डबल बॉन्ड को, ये आपके पास लोन पेयर, ये निगेटिव चार्ज। नाउ दिस इज यूज्ड अटैक, यहां ऑक्सीजन से हुआ। वेन अटैक ऑकर्स थ्रू ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रो में वेन अटैक ऑकर्स फ्रॉम ऑक्सीजन, यानी डोनेटिंग साइट का यूज, कौन सी साइट का हुआ, ऑक्सीजन का, इट इज कॉल्ड नाइट्राइट। ठीक है, तो NO2 माइनस दो लिगेंड का काम कर, सॉरी दो, यहाँ लिगेंड बार वर्ड आ रहा है क्योंकि हम लोग जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एम्बिडेंट एंड लिगेंड भी बोलेंगे, बट यहाँ न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। अगर नाइट्रो में डोनेटिंग एटम जो है वो नाइट्रोजन है तो इसे नाइट्रो न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, और अगर डोनेटिंग एटम ऑक्सीजन का यूज हो रहा है तो इसे नाइट्राइड बोलते हैं। है तो क्या सेम ही न्यूक्लियोफाइल, लेकिन एक बार ये डोनेटिंग साइट का यूज हो रहा है और एक बार किसका यूज हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। देखिए कुछ और हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज मैंने ले लिया आपके पास हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन कौन सा मॉलिक्यूल है, NH2। ये हाइड्रोजन है। आप इस हाइड्रोजन में भी क्या है, दो डोनेटिंग साइट है, एक ये है और एक ये है, दो डोनर एटम है, लेकिन एट द टाइम एक ही डोनेटिंग साइट का यूज होगा, तो ये भी एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, सेकंड हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH, इसमें भी दो डोनेटिंग साइट है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये दो डोनर एटम है, लेकिन एट द टाइम एक ही डोनेटिंग साइट का यूज होगा, ये भी क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। और एग्जांपल है हम लोग, ये थर्ड एग्जांपल था, ये आपके पास सेकंड, और एक एग्जांपल लेते हैं फोर्थ, CN-। सी CN- होता है वो एक होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये आपके पास कार्बन पर निगेटिव चार्ज। तो इसमें भी डोनर एटम जो है वो कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है, दो डोनर साइट्स हैं। इस न्यूक्लियोफाइल में जब कार्बन का यूज किया जाता है डोनर साइट के फॉर्म में तो हम इसे कहते हैं नाइट्राइड, और जब नाइट्रोजन का यूज किया जाता है किसके फॉर्म में, डोनर साइट के फॉर्म में, तो इसे कहते हैं आइसोनाइट्राइड। ठीक है, तो CN- भी दो टाइप के न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, नाइट्राइड और आइसोनाइट्राइड, व्हेन कार्बन एक्ट एज डोनर एटम, डोनर साइट, जब कार्बन ने डोनर साइट का काम किया तो इसे कहेंगे हम लोग नाइट्राइड। और इसमें व्हेन अटैक ऑकर्स, व्हेन नाइट्रोजन कह दो या अटैक कह दो नाइट्रोजन से होगा, या नाइट्रोजन काम करेगा डोनर साइट का, व्हेन नाइट्रोजन एक्ट एज डोनर साइट, जब नाइट्रोजन डोनर साइट का काम करेगा तो उसे हम कहेंगे आइसोनाइट्राइड। ओके, तो क्लियर हो गया आपके पास एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एक से ज्यादा डोनेटिंग एटम लेकिन एट द टाइम एक ही डोनर एटम का यूज होगा। ठीक है, तो चलिए सेकेंड स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या है, सेकेंड स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल है आपके पास सिग्मा बॉन्ड डोनर न्यूक्लियोफाइल। ओके, सिग्मा बॉन्ड डोनर न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, देखिए सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल, नॉट बॉन्ड, सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल, सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की न्यूक्लियोफाइल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई जगह यूज होते हैं ये, बर में वीडियो चल रही है, यस इट्स गुड। देखिए सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक में बहुत जगह यूज होगा ये, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं आपको। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जिसको हम लोग OMCB लिखते हैं, OMG नहीं, OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। तो पहले तो आपको समझना होगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड
कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बॉन्ड होता है कार्बन और मेटल के बीच में, ठीक है। दोज कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन मेटल बॉन्ड भी कम से कम इन कंपाउंड में एक बॉन्ड तो होगा ही कार्बन मेटल बॉन्ड, कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड। ठीक से देखना बेटा इस बात को, कार्बन मेटल बॉन्ड कम से कम एक बॉन्ड होगा, एक से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कार्बन और मेटल का जो बॉन्ड होता है वो पोलर बॉन्ड होता है, ये पोलर बॉन्ड होता है, पोलर बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसमें मेटल आपको पता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो मेटल के ऊपर हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है। बेटा ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन को बहुत फास्ट कैरी ऑन करते हैं, क्योंकि यहां पर कार्बन डोनेटिंग एटम कौन है, निगेटिवली चार्ज कार्बन एटम है, और इस कार्बन पर बहुत हाईली निगेटिव चार्ज होता है, 80% अप्रोक्सीमेट 80% निगेटिव चार्ज होता है कार्बन मेटल बॉन्ड में कार्बन पर होता है। तो कार्बन मेटल बॉन्ड जिन कंपाउंड में है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में डोनेटिंग साइट कौन है, डोनेटिंग एटम आपके पास है निगेटिवली चार्ज कार्बन एटम। इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से डोनेट होगा, वो है निगेटिवली चार्ज कार्बन एटम से डोनेट होगा, और हाईली निगेटिव, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, हाईली निगेटिव चार्ज है इस कार्बन। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो कार्बन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और बेटा कार्बन पर अप्रोक्सीमेटली 80% निगेटिव चार्ज होता है, 80% निगेटिव चार्ज होता है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के। एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके पास बॉन्ड है कार्बन और कॉपर में, कार्बन और मैग्नीशियम में, कार्बन और सोडियम में, ठीक है। ये सारे किसका काम करेंगे, कार्बन और जिंक में, ये सारे काम करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स काम करता है न्यूक्लियोफाइल का, सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल हमारे पास है जिसमें कार्बन और कॉपर में बॉन्ड है R2Cu लिथियम, डाई अल्किल कॉपर लिथियम, ठीक है। जिसमें कार्बन और मैग्नीशियम में बॉन्ड है, बहुत अच्छा कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कौन सा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत जगह यूज होता है। भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, अल्काइल जो है वो पार्शियल निगेटिव चार्ज है। अल्काइल में निगेटिव चार्ज कहाँ पर है, कार्बन एटम पर है, यानी निगेटिवली चार्ज कार्बन एटम यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल साइट का काम करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होंगे। कार्बन सोडियम, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन और सोडियम में बॉन्ड हो, RNA, अल्काइल सोडियम, इसे हम कहते हैं इसमें सोडियम पर पार्शियल पॉजिटिव और अल्काइल पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, ये कुछ नाम आपको याद होने चाहिए। इसे हम कहते हैं वुड्स रिएजेंट, क्या कहते हैं वुड्स रिएजेंट, ओके। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और जिंक में बॉन्ड है, एग्जाम्पल है आपके पास ऑर्गेनिक में यूज होगा डाई अल्किल जिंक, इसमें जिंक पर पार्शियल पॉजिटिव और आर पर पार्शियल निगेटिव चार्ज है, इसे कहते हैं फ्रैंकलैंड, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा फ्रैंकलैंड रिएजेंट, बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज होने वाले हैं ये सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन कॉपर में बॉन्ड है या कार्बन मैग्नीशियम में या कार्बन सोडियम में या कार्बन जिंक में, ये सारे कंपाउंड किसका काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, ये सभी क्या है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो इसी के साथ आपको दो स्पेशल टाइप के न्यूक्लियोफाइल मैंने करवाए, समझ में आ गए होंगे बेटा कौन कौन से, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विच एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है, समझ में आ गया है कि स्पेशल दो टाइप के न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं, तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेटा सबको बताना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इजी और इतनी इंटरेस्टिंग है।
अगली बार मैं आपके पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगी। तब तक इन पिछले वीडियोस को आप अच्छे से देख लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना। ओके बेटा स्टूडेंट्स, आई होप यू विल डू दिस मच। नाउ हैव ए नाइस डे, गुड लक।